उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आवास योजना पे। इसमें हम बात करेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने आवास का निर्माण करने जा रहा है तो उसे किन किन बातों पे ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी प्राथमिक और बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें भोजन, कपड़ा और तीसरा जो है वो है आश्रय। आश्रय यानी आवास। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो जानवर हो, सभी को अपने रहने के लिए घर चाहिए होता है। मनुष्य जब अपने लिए एक रहने के लिए कोई भी स्थान बनाता है तब हम उसे घर कहते हैं। घर कई प्रकार के हो सकते हैं। गाँव में भी एक घर हो सकता है या किसी शहर में आपका बड़ा फ्लैट भी हो सकता है या कोई बंगला भी हो सकता है। परंतु जो घर का जो अर्थ है वो तब साकार होता है जब किसी भी घर में परिवार के विभिन्न सदस्य रहते हैं तथा वो विभिन्न कार्यों को साझा करते हैं और प्यार और स्नेह से घर में रहते हैं, तब हम इसे घर कहते हैं। हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका चयन आप किस प्रकार से करें। तो इसके लिए आवास योजना का होना अत्यंत आवश्यक है। आवास योजना का अर्थ ये है कि आप जब घर बना रहे हैं तो उनमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या फिर उसमें कौन से विशेष गुण होने चाहिए। और नियोजन का अर्थ यह है कि घर को आप विशाल, आकर्षक और कार्यात्मक रूप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसलिए आवास नियोजन को जानना अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप आवास योजना के विषय में जान पाएंगे तो इसके द्वारा आप घर और उसके महत्व को भी समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको अपने घर में रहने के लिए कौन कौन से सुविधाएं चाहिए हैं और आप उनका मूल्यांकन भली भांति कर पाएंगे। इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि घर की योजना को बनाने के लिए कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। इसके द्वारा आप घर में होने वाली विभिन्न गतिविधि क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और एक जो इफ़ेक्टिव वर्क स्टेशन है वो कौन सा रहेगा ये भी आप जान सकते हैं। और अंत में आप आवास नियोजन के द्वारा एक सुखद माहौल बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और इसके द्वारा आप अपने घर को एक फंक्शनल रूप दे सकते हैं और उसको एक मैनेजेबल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवास क्या है। आवास हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, ये हम सभी जानते हैं। और यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये फर्श, दीवार और खिड़कियों से बना एक ढांचा होता है। परंतु ये घर तब कहलाता है जब इसमें सभी व्यक्ति प्रेम और स्नेह के साथ रहते हैं और अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट यहाँ व्यतीत करते हैं। घर का महत्व क्या है। घर एक संरचना है जिसमें दीवारों, दरवाज़ों, खिड़कियों, छतों आदि को शामिल किया जाता है। इसमें मनुष्य रहते हैं और बाहरी दुनिया के तनाव और चिंताओं से घर में आके वो शरण लेते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने घर में जितनी भी उसकी जो परेशानियां होती हैं, चिंताएं होती हैं, वो घर में आके दूर होती हैं। तो घर इस तरह से उसको सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घर में परिवार के सदस्यों को अत्यंत ठंड, गर्मी, हवा, बारिश, इन सब चीज़ों से बचाता है। इसके अलावा घर बहुत सारे जो असामाजिक तत्व होते हैं उनसे भी किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। घर परिवार के सदस्यों के लिए समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप करते हैं वो घर पे ही होती हैं, जैसे खाना बनाना, धुलाई, भंडारण या फिर वेस्ट का डिस्पोजल, मनोरंजन, पढ़ना या किसी भी अपने गेस्ट को वेलकम करना, ये सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति को एक स्थान चाहिए होता है और वो स्थान होता है घर। घर जो है वो पारिवारिक जीवन का केंद्र होता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार के सदस्य प्यार और स्नेह से बंधे रहते हैं और सभी साथ में रहने का आनंद लेते हैं। जो घर होता है वो आत्म अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को। स्वतंत्रता के साथ साथ वो हमें कार्य करने की सुविधा भी प्रदान करता है। घर अपने सदस्यों को आराम और गोपनीयता के अलावा उन व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मूल्यों और सुरक्षा की भावना विकसित करने में भी मदद करता है और घर व्यक्तियों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है जो उनके जीवन में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। घर में एक व्यक्ति परिवार के रीति रिवाज, परंपराओं, आदतों और संस्कृतियों को प्राप्त करता है और यहीं से ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं।
घर वो स्थान होता है जहाँ परिवार के कुछ सदस्य, जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है या किसी के पास कोई कार्य नहीं है या कोई वृद्धावस्था में आ चुका है, इन सब बाधाओं के कारण जो सक्षम नहीं है अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करने के लिए, उन सभी को ये आश्रय देता है। क्योंकि घर में इन लोगों को, जो घर के सबल लोग हैं, उनके द्वारा एक देखभाल मिलती है। एक घर और उसके आसपास का वातावरण परिवार की स्थिति का प्रतीक होता है। आवास एक परिवार के जीवन के स्तर का भी निर्धारक है और जो आवास होता है वो किसी भी देश की, राष्ट्र की प्रगति का मानक भी होता है। आवास के द्वारा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय धन और राष्ट्रीय रोजगार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आवासीय भवन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पृथक घर, फिर है अर्ध पृथक घर, फिर होती है घरों की पंक्ति, चौथा है अपार्टमेंट या जिन्हें आप फ्लैट्स भी कहते हैं, पांचवा होता है गगनचुंबी इमारतें। सबसे पहले बात करते हैं कि पृथक घर क्या होते हैं। पृथक घर यानी आपकी अपनी खुद की लैंड है और वहाँ पे आपका एक स्वतंत्र घर है। वो घर छोटी सी झोपड़ी भी हो सकती है, घर हो सकता है या एक विस्तृत बंगला भी हो सकता है, जिसमें रहने वाला एक ही परिवार होता है और खुद की उसकी ज़मीन होती है। तो ये तो हो गया पृथक घर। अब हम बात करते हैं अर्ध पृथक घर की। इसमें क्या होता है, किसी भी लैंड को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। लैंड एक होती है परंतु उसको दो इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि पानी की लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिक केबल आदि सुविधाओं पर जो खर्चा होता है वो दोनों लोग मिलके शेयर करते हैं और उसके बाद जो इनकी अर्थव्यवस्था है उसको प्राप्त करने में दोनों फैमिलीज को हेल्प मिलती है। तो ये हो गया अर्ध पृथक घर। तीसरा आता है घरों की पंक्ति। यह परिवारों के निम्न आय वर्ग के लिए पसंद किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो घरों के बीच में एक दीवार होती है और घरों में न्यूनतम आवश्यकताएं ही होती हैं, जैसे एक लिविंग रूम, किचन और एक बाथरूम। तो ये काफ़ी छोटे घर होते हैं, इसमें पंक्तिबद्ध श्रृंखला में बहुत सारे घर बने होते हैं। फिर आते हैं अपार्टमेंट या फ्लैट। यह एक बहु इकाई होते हैं जिसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं और प्रत्येक मंजिल में 2 से 3 घर होते हैं। इसमें भूमि और अन्य सुविधाओं को जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उनके द्वारा शेयर किया जाता है। फिर आती हैं गगनचुंबी इमारतें। यह बहुमंजिला इमारतें होती हैं। यह बड़े शहरों में आम तौर पर देखने को मिलती हैं। गगनचुंबी इमारतें हमें मेनली वहाँ पे देखने को मिलती हैं जहाँ पे जो ज़मीन के जो कीमतें होती हैं बहुत अधिक होती हैं, तो वहाँ पे मेनली गगनचुंबी इमारतें बनी रहती हैं। अब आता है घर के कार्य क्या होते हैं। घर के कार्य में सबसे पहला है घर का कार्य रक्षात्मक, क्योंकि घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। घर हमें जो भी एडवर्स जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनसे बचाता है, हमें आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा जंगली जानवरों, डकैतों या जो भी असामाजिक तत्व हैं उनसे ही व्यक्ति की रक्षा करता है। फिर आता है घर का आर्थिक कार्य क्या है। देखिए, यदि आपका कोई अपना घर है तो उसके द्वारा वो घर आपके लिए एक आर्थिक आय का एक साधन बन सकता है। घर होने से किसी भी व्यक्ति की समाज में आर्थिक स्थिति बढ़ती है और ये उसके लिए एक समाज में गौरव और प्रतिष्ठा का कारण भी बनता है। और कितनी बार यदि आप कोई घर बनाते हैं तो वो आपके आय सृजन की गतिविधि भी बन जाती है। जैसे आप अपने घर को रेंट आउट कर देते हैं या उसको सेल आउट करते हैं बनाने के बाद, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक इनकम जनरेट होती है। तो इस तरह से जो घर होता है वो आर्थिक रूप से भी मददगार होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। फिर आता है जो घर का तीसरा कार्य है, वो है शिक्षाप्रद। कोई भी व्यक्ति जो भी सीखता है सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है, चाहे वो उसके बुनियादी मूल्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, ये सब उसको घर से ही मिलती है। तो इसलिए जो घर होता है व्यक्ति के मूल्यों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा घर हमें बताता है कि शेयर कैसे करना है, किसी की देखभाल किस प्रकार से करनी है, सहानुभूति की क्या फीलिंग होती है, ये सब हमें घर में रहकर ही सीखने को मिलता है। फिर आता है घर का कार्य जो कि हो सकता है सामाजिक या फिर धार्मिक, क्योंकि घर हमारा एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, तो उसके द्वारा हमारा जो भीतर और बाहर बातचीत को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो घर होता है वो घर में रहने वाले सभी सदस्यों में अपनेपन की भावना को पैदा करता है तथा घर मूल्यों, रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करने में सहायक होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इसका जो सबसे पहला कारक है वो होना चाहिए उद्देश्य,
कि आप किस उद्देश्य से घर बना रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना जो गोल है वो डिसाइड करेंगे कि आप किस कारणवश घर बना रहे हैं। आप परमानेंट उसी जगह पर रहने वाले हैं, उसी हिसाब से घर बना रहे हैं, या आप घर बना के उसे रेंट आउट करने वाले हैं, या फिर आप घर बना के उसे बनाने के बाद बेचने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि आपके घर बनाने का उद्देश्य क्या है। फिर आपने देखना है कि स्थान का चुनाव किस प्रकार आप करें, इसे आप कह सकते हैं साइट सेलेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपने देखना है कि आप जिस भी जगह को आप चुन रहे हो वो जगह विकसित होनी चाहिए, यानी उसके आसपास जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, जैसे बिजली, सड़क या फिर जल की निकासी अच्छी तरह से वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फिर आता है आपने देखनी है वहाँ पे क्या क्या भौतिक विशेषताएं वहाँ पर की हैं। आपने देखना है कि जो भी आप साइट सेलेक्ट कर रहे हो तो वो एक खुला स्थान हो, वो ज़मीन है वो दबी हुई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दबी हुई ज़मीन घर बनाने के लिए अस्वस्थ मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बारिश का पानी आने पे नमी आ जाती है। तो इसलिए आपको इस प्रकार की ज़मीन का चुनाव नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा ऊंची ज़मीन पर ही अपना घर बनाना चाहिए। अब जो अगला फैक्टर है वो आता है मृदा की स्थिति। आप यदि आप चाहते हैं कि आपका घर का जो कंस्ट्रक्शन हो वो अच्छा हो, तो उसके लिए जो मिट्टी की क्वालिटी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कपास के नीचे की चट्टान, रेत या जो घनी मिट्टी होनी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की मिट्टी को घर के लिए अच्छा माना जाता है। फिर आपने देखना है कि वहाँ पे स्वच्छता की क्या स्थिति है। आपने देखना है वहाँ पे कि साइट ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी प्रकार की सार्वजनिक जल की निकासी ना हो, या फिर वहाँ पे किसी भी तरह का शौचालय ना हो, या कुछ भी इस प्रकार का नहीं हो कि वहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो। तो ये चीज़ें सब आपने देखनी है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि ये जो आपका जो साइट हो वो ऐसी जगह से दूर हो जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा आती हो, या वहाँ पे हर टाइम वाहन चलते रहते हो। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप साइट का सिलेक्शन कर रहे हो। फिर आपने देखनी है कि वहाँ पे क्या क्या व्यवहारिक सुविधा है। व्यवहारिक सुविधा से मतलब है कि आपने ये देखना है कि किसी भी साइट का जो मूल्य है वो उसकी जो व्यवहारिक सुविधाएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपने देखना है कि जो आपका साइट हो या आपकी जो ज़मीन हो वो बाज़ार, स्कूल, अस्पताल वहाँ से पास हो। यदि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पास नहीं भी हो तो वहाँ पे सड़कों या फिर मोटर मार्ग होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकें वहाँ से। तो इसलिए आपने इन सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर आपने देखनी है उस जगह की कानूनी विशेषताएं। आपने ये देखना है कि वो जो ज़मीन है वो किसी भी तरह के अतिक्रमण ना हो उस ज़मीन पे, और किसी भी तरह का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे पहले ना किया गया हो, या वो किसी भी तरह के इलीगल चीज़ें हैं उनसे दूर हो वो। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक कानूनी सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें अपना साइट का चुनाव करने से पहले। ये था हमारे आज के व्याख्यान के विषय में, जिसमें हमने जाना कि घर क्या होता है, उसका महत्व क्या है, और आप अपने घर के लिए किस प्रकार से साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे आवास योजना एवं स्थान प्रबंधन के विषय में। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान उपयोगी लगा हो। धन्यवाद।